नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने आया हूं, दूसरी बार, जो कि है कि आप अगर एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लिख लीजिए। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको लगता है कि आप एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो आप मुंबई जाइए या जहाँ भी आपके ऑडिशंस हो रहे हैं या जहाँ भी लोग बोल रहे हैं वहाँ पर जाके आप ऑडिशंस दीजिए। ऑडिशन देने के बाद उसको क्लियर कीजिए। उसके लिए आपको ना कोई आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत है और ना ही किसी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना ही ऐसी कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको प्रूफ हो सके कि दैट ही इज एक्टर यार, राइट। अगर आप कुछ सीरियल्स कर लेते हो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, और अगर आपको बाहर के ऑफर ही मिलने शुरू हो जाएं, तो आप किसी एक कार्ड पर जा सकते हैं, जैसे शिवसेना का है और मनसे का कार्ड भी बनता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड होता है वो है सिंटा का, तो आप उसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तकरीबन 13-14-15 हज़ार के आसपास वो कार्ड बनता है, जो सिंटा का मैं आपको बता रहा हूँ। और शिवसेना का जो कार्ड है वो आप नॉर्मल बनवा सकते हैं कहीं से भी। सो बेसिकली, अगर आपको एज एन एक्टर काम करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि आप एज एन एक्टर अपने आप को डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी कार्ड की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कार्ड की डिमांड करता है तो वो बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और लोकल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ आपके वो कार्ड की डिमांड करेंगे और फिर उसके बाद। एक्चुअली कार्ड का महत्व ये आपको पता ही होगा, जैसे आप कहीं शूटिंग पर गए, मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई। जैसे आप कहीं शूटिंग पर गए और शूटिंग के वक्त अब क्या होता है कि जब वहाँ शूट हो रहा है तो वहाँ पर सरकारी लोग या फिर जो सिंटा के लोग जो होते हैं वो लोग आकर देखते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। तो क्या होता है, हमें एक आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। तो एक इट्स अ प्रूफ के यार यू आर एक्टर, राइट। तो ये ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है। अगर आप एज एन एक्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो यही है कि आप अपने आप को सिर्फ एज एन एक्टर प्रूफ कीजिए और उसके बाद आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आने वाली है। और अगर कोई आपसे कार्ड की डिमांड करता है तो आप उससे ये पूछ लीजिए कि आप किस लेवल की फ़िल्म बना रहे हैं दोस्त, या किस लेवल का आप सीरियल बना रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली पता भी चल जाएगा। अगर आप मुंबई में हैं तो भी एक बार आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ। सो वो बता देंगे कि आप ठीक है कार्ड बनवा लीजिए या फिर जो भी है एक्स वाई जेड आप उस वक्त बनवा सकते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छे करेक्टर्स के लिए अप्रोच किया जा रहा हो तो उस वक्त आपको बाहर भेजा जा सकता है, क्योंकि शूटिंग जो लोकेशंस होती हैं वो थोड़ा आउट होते हैं, एरिया आउट होता है उनको का। और उससे बेनिफिट यही नहीं है कि आपको सिर्फ कार्ड होगा और आप एक आर्टिस्ट प्रूफ हो जाएंगे। उसका बेनिफिट एक और है कि अगर प्रोडक्शन वाले आपको पैसा नहीं देते हैं, राइट, आपको जैसे पर डे 3,000, 4,000, 5,000 का आपका बजट तय कर दिया गया और उसके बाद आपको प्रोडक्शन हाउस अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आप आर्टिस्ट एसोसिएशन में जाकर भी उस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं, और वो आपकी शिकायत पर उन जो प्रोडक्शन हाउसेस पर जो एसोसिएशन है वो ज़रूर एक्ट लेंगे और एक्शन लेंगे और आपका पैसा वापस मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी, और अगर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहूँगा, लाता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ के बारे में भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी नॉलेज दूँगा।